फ्रेंड्स फोटोशॉप में सबसे पहले दो फोटो ओपन कर लेनी है, एक तो ड्रेस वाली और एक जिस फोटो को हमें ड्रेस पे लगाना है वो फोटो। तो ये मैंने दो फोटो ओपन करके रखी है। सबसे पहले हमें इस फोटो के चेहरे को पेन टूल की मदद से सिलेक्शन बना लेना है। इस तरह से पेन टूल की मदद से चेहरे का हमें सिलेक्शन बनाना है। इस तरह से क्लिक करते जाना है माउस से। मैं एक बार इसका पहले सिलेक्शन बना लेता हूं। फ्रेंड्स यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे माउस से एक बार क्लिक करना है और फिर कंट्रोल एंटर प्रेस करना कीबोर्ड से, तो ये सिलेक्शन बन जाएगा। और इसमें फेदर लगाएंगे, सिलेक्ट पे जाके फेदर पे जाएंगे, इमेज के अनुसार फेदर लगाना है। ये व्हाट्सएप इमेज है तो इसका साइज कम है, तो मैं इसमें फेदर एक का रखूंगा और ओके करेंगे। अब फ्रेंड्स हमें करना क्या है, माउस से पकड़ के इस फोटो के ऊपर लेके आना है और कंट्रोल टी करेंगे। सबसे पहले फोटो को छोटा करेंगे शिफ्ट दबा के और इस तरह से रोटेट करेंगे, थोड़ा माउस से बाहर की तरफ ले जाके माउस को इस तरह से सीधा करेंगे फोटो को, और फिर हमें शिफ्ट दबा के फोटो को बड़ा करना है इस तरह से। सबसे पहले हमें इसकी सेटिंग कर लेनी माउस से इस तरह से, फोटो को इस तरह से एक बार देख के चेहरा बड़ा है या छोटा या परफेक्ट है एक बार इस तरह से चेक कर लेंगे कि चेहरा मतलब अच्छे से सेट है या नहीं, यानी कि मतलब मोटा, ज्यादा मोटा तो नहीं है, पतला तो नहीं है। अगर ज्यादा मोटा पतला दिखाई दे तो कंट्रोल टी करके फिर से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब इस इमेज में ये परफेक्ट चेहरा दिखाई दे रहा है। और अब हमें करना क्या है, एंटर प्रेस करना है। इस तरह से पहले फोटो को सेट करना फोटो के ऊपर और फिर नीचे वाली बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे और एक कॉपी तैयार करेंगे कंट्रोल जे से। अब ऊपर वाले फोटो को जो चेहरा है उसको सेलेक्ट करके पीछे की ओर ले जाएंगे कंट्रोल ब्रैकेट से। और अब हमें कॉलर का सिलेक्शन बनाना है पेन टूल से। यहां से इस तरह से कॉलर का सिलेक्शन बनाएंगे पेन टूल से। इस तरह से पहले सिलेक्शन बना लेना है, इस तरह से यहां से लेके आएंगे साइड से और कंट्रोल ब्रैकेट से इसको पीछे करेंगे। तो ये इस तरह से हमारी पहले वाली इमेज इसमें आ जाएगी। और माउस से इस तरह से हमें सिलेक्शन बना लेना है और यहाँ पे लाके क्लिक करना है। इसके बाद कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे, ये सिलेक्शन बन जाएगा। फेदर पे जाएंगे, यहाँ सिलेक्शन में जाके फेदर पे जाएंगे और इसमें 3 का फेदर रखेंगे, ये इमेज बड़ी है, और ओके करेंगे और डिलीट बटन प्रेस करेंगे। तो ये इस तरह से गर्दन इसमें सेट हो जाएगी परफेक्ट तरीके से। कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट करेंगे, जो एरिया इस तरह से बच जाए उसके लिए स्टैम्प टूल लेंगे, क्लोन स्टैम्प टूल, ब्रैकेट से छोटा करेंगे ब्रश को, ऑल्ट दबा के इस कलर को उठाएंगे जो गर्दन वाला कलर है, और इस तरह से हमें इसको फिल कर देना पूरे एरिया में जहां तक ये खाली दिखाई दे रहा, इस तरह से हमें फिल कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये परफेक्ट तरीके से गर्दन इसमें सेट हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, इस बीच वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, यानी कि नीचे वाली, इसकी गर्दन के नीचे वाली को, और स्टैम्प टूल लेके और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना माउस से, और पीछे की जो ये चेहरा है इसको इस तरह से इरेज कर देना हमें। सिर्फ चेहरे को इरेज करना है, नीचे ड्रेस को इरेज नहीं करना हमें, ड्रेस को तो हमें ऐसा ही रखना है। इस तरह से चेहरे को इरेज कर देंगे दोनों तरफ से स्टैम्प टूल से, छोटा बड़ा करके स्टैम्प टूल को इस तरह से इरेज कर देंगे। अब फ्रेंड्स माउस से बैक करके देखेंगे और थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ा सा एरिया परफेक्ट तरीके से सेट नहीं है। तो अब हमें करना क्या है, तीनों लेयर को मर्ज कर देना है। कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करेंगे, उससे पहले आप इनको सेव भी कर सकते हैं पीएसडी में, और ब्रश टूल लेके, नहीं सॉरी, और स्टैम्प टूल लेके इस शर्ट को हम यहाँ पे इस तरह से सेट करेंगे ताकि ये परफेक्ट तरीके से दिखाई दे। अब ये परफेक्ट तरीके से बन चुकी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब हमारी इमेज को परफेक्ट तरीके से ड्रेस चेंज हो चुकी है। रियलिटी में ये
ओरिजिनल फोटो लग रही है। इसकी पहले वाली फोटो दिखाता हूँ आपको फ्रेंड्स। ये फोटो तो अभी की जो हमने फोटोशॉप 7.0 में काम किया है, और इसकी ओरिजिनल फोटो ये वाली है। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से हमारी फोटो इस पे सेट हो चुकी है ड्रेस पे। इस तरह से हम किसी भी फोटो से कोई भी ड्रेस किसी भी फोटो पे लगा सकते हैं फोटोशॉप 7.0 में बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।